नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्यम शिवम सुंदरम। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 12 ज्योतिर्लिंगों के सफर में अब हम आ पहुंचे हैं घृष्णेश्वर, जिसे घुश्मेश्वर नाम से भी जाना जाता है। और पहली बार हम आपको सीधे गर्भगृह से शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। वैसे तो शिवलिंग कई होते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 है और घृष्णेश्वर का स्थान उसमें 12वें नंबर पर आता है। कहा जाता है कि शिवलिंग यानी कि ज्योतिर्लिंग जो मान्यता है जिनकी, वहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। ऐसे में आज का ये खास कार्यक्रम सत्यम शिवम सुंदरम सीधे घृष्णेश्वर से, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ज्योतिर्लिंग, वो पवित्र ज्योति जिसके बारे में माना जाता है कि लोक कल्याण के लिए खुद ज्योति के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों का पाप मिट जाता है। वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है। ऐसी पवित्र ज्योतिर्लिंग की भूमि है घृष्णेश्वर, जो बेहद खास है। और जैसा कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि दो ही ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो पूर्व दिशा में मुखी हैं, यानी कि उनकी दिशा जो है वो पूर्व की है। एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है महाकाल। ये विशेषता ये है कि अपने हिंदुस्तान में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 10 ज्योतिर्लिंग जो है उत्तराभिमुख है और 2 ही ज्योतिर्लिंग जो है ये पूर्वाभिमुख है। जैसे महाकाल और घृष्णेश्वर, 2 ही ज्योतिर्लिंग पूर्वाभिमुख है। और यहाँ पर विशेषता पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। महादेव देवों के देव हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो संहार के देवता हैं, तो वो देव और मनुष्य के रक्षक भी। वो अलग अलग रूपों और नामों से 12 जगहों पर प्रकट हुए, उन्हीं में शामिल है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हर ज्योतिर्लिंग की तरह घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी अपनी एक पौराणिक कथा है। इसके पीछे भी कई ऐसी मान्यताएं हैं, कई ऐसी कथाएं हैं जिनका शिव पुराण और पद्म पुराण में भी जिक्र मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं घृष्णेश्वर या फिर घुश्मेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या फिर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव की अनन्य भक्त घुश्मा से जुड़ी हुई है। घुश्मा की बड़ी बहन सुदेहा निसतान थी। ऐसे में जब अंक ज्योतिष से पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो उसने अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करा दी। ऐसे में उसकी बहन घुश्मा रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा अर्चना करती रही और महादेव ने प्रसन्न होकर घुश्मा को एक सुंदर बालक का वरदान दिया। महादेव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात सुदेहा को लगा कि उसके घर और पति पर अब घुश्मा का कब्जा हो चुका है और उसकी अहमियत नहीं रही। सुदेहा के मन में कुविचार आकार लेता रहा और उधर घुश्मा का बेटा जवान हो गया और शादी भी हो गई। कहा जाता है कि एक दिन उसने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही जब सबको पता चला तो कोहराम मच गया, लेकिन घुश्मा हमेशा की तरह शिव भक्ति में लीन थी। कहा जाता है कि जब घुश्मा पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चली, तो उसी समय उसका बेटा तालाब से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वो सदा की भांति घुश्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसे में मान्यता ये है कि भगवान शिव स्वयं वहां पर प्रकट हुए। वो सुदेहा को दंडित करने के लिए तत्पर नजर आ रहे थे। ऐसे में सुदेहा की छोटी बहन घुश्मा ने भगवान शिव से विनती की कि वो सुदेहा को माफ कर दे और लोक कल्याण के लिए वहां पर निवास करने लगे। ये दोनों विनती भगवान शिव ने स्वीकार कर ली और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां पर पूरी तरीके से निवास करने लगे। ऐसे में मान्यता यही है कि क्योंकि घुश्मा अनन्य भक्त थी भगवान शिव की, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास दरअसल काफी पुराना है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसे सल्तनत शासन ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद करीब 16वीं शताब्दी में ये बताया जाता है कि शिवाजी के दादा ने इसका पुनर्निर्माण कराया और फिर एक बार इसे मुगल शासन ने ध्वस्त कर दिया था। दूसरे ज्योतिर्लिंगों की तरह यहाँ भी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर मंदिर के पुनर्निर्माण में सामने आई। 18वीं सदी में उन्होंने घृष्णेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया।
वर्तमान में मंदिर की संरचना वही है जिसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। दक्षिण भारतीय शैली में बना घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 44,400 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग भी दरअसल मुगल शासकों ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। उसके बाद 1791 में अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार किया अपने निजी कोष का इस्तेमाल करके। तब से ये मंदिर दूर दूर तक विख्यात हो गया। ये मंदिर लाल पत्थर से बना है। इसमें 5 स्तरों वाला नागर शैली का शिखर है। ज्योतिर्लिंग पूर्व की तरफ है। एक दरबार कक्ष है जहां 24 स्तंभ हैं, जिन पर भगवान शिव से जुड़ी कई किंवदंतियां अंकित हैं। हर ज्योतिर्लिंग की तरह इस ज्योतिर्लिंग की भी कुछ टाइमिंग्स हैं, उनका जरूर ध्यान रखें। श्री कृष्णेश्वर की पूजा और अभिषेक का समय सुबह 5:30 बजे है, जबकि दोपहर 1 बजे से 7:30 बजे तक भी आप पूजा और अभिषेक कर सकते हैं। ये टाइमिंग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप इतनी दूर तक आए हैं और आपके दर्शन करते वक्त मंदिर के कपाट बंद रहते हैं या फिर उस समय आपको पूजा अर्चना करने की इजाजत नहीं होती है, तो आप जाहिर तौर पर मायूस हो जाएंगे। यहाँ सुबह 4 बजे मंगल आरती होती है, जलहरी सघन प्रातः 8 बजे, महाप्रसाद दोपहर 12 बजे, जलहरी सघन शाम 4 बजे, संध्या आरती गर्मी में शाम 7:30 बजे और सर्दी में शाम 5:40 पर। रात्रि आरती 10 बजे होती है। जब भी धार्मिक यात्रा पर आप निकलते हैं तो मन में एक सवाल होता है कि क्या संबंधित स्थान से जुड़ा कोई ड्रेस कोड भी है, तो हम आपको बता दें कि घृष्णेश्वर में बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी तीर्थ स्थल अगर आप जाते हैं तो परिधान का विशेष ध्यान रखें। यहाँ इस ज्योतिर्लिंग में महिलाओं को पारंपरिक साड़ी या फिर सूट पहनने की इजाजत है। इसके अलावा पुरुषों को ऊपरी हिस्से में बनियान या फिर शर्ट कुर्ता कुछ भी पहनने की इजाजत नहीं है। नीचे आप धोती पैंट पहन सकते हैं, लेकिन बिना बेल्ट के। बेल्ट उतारनी पड़ेगी, तभी मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर सकेंगे। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर वेरुल में स्थित है। यहाँ पर आप सड़क, रेल या फिर हवाई जहाज से औरंगाबाद तक पहुँच सकते हैं और उसके बाद आप इस भव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे उसके बारे में कुछ जानकारी नोट कर लें। यहाँ आने के लिए सबसे करीबी हवाई अड्डा औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट है। औरंगाबाद से घृष्णेश्वर की दूरी 35 किलोमीटर है। औरंगाबाद एयरपोर्ट के लिए देश के बड़े शहरों से सीधी उड़ान उपलब्ध है। औरंगाबाद से बस, टैक्सी या ऑटो से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आप पहुंच सकते हैं। आसपास के दूसरे हवाई अड्डों की बात करें तो शिरडी से 95 किलोमीटर और नासिक से 171 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घृष्णेश्वर महादेव। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जहां के लिए देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन से कई ट्रेन चलती हैं। अगर आपके शहर से औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप मनमाड़ रेलवे जंक्शन पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग का विकल्प चुनना चाहते हैं तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सड़क मार्ग से देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ। वैसे तो घृष्णेश्वर मंदिर में साल में आप किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त महीने हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक। यहां पर औसतन तापमान 28 से 30 डिग्री रहता है, लेकिन ग्रीष्म काल में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर आप बरसात के मौसम में आ गए, जैसे कि हम अगस्त के महीने में पहुंचे हैं, तो आपको यहाँ पर लगातार बारिश का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार दर्शन करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो वही समय का चुनाव करें जो मौसम के लिहाज से उपयुक्त हो और आप जब आए तो ना ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी। जब भी हम किसी तीर्थ स्थल जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होती है कि हम कहाँ पर रुकें, कहाँ पर ठहरें। तो मंदिर परिसर में ही आपके लिए यहाँ पर 2 धर्मशालाएं बनाई गई हैं, जिसमें 40 से ज्यादा कमरे हैं। मंदिर के ही नजदीक एक और धर्मशाला है जहाँ पर 15 कमरों की सुविधा है, यानी कि एक मशहूर तीर्थ स्थल है ये, इसीलिए यहाँ पर आपको रुकने की कोई समस्या नहीं होगी। घृष्णेश्वर मंदिर के आसपास कई प्राइवेट होटल्स भी हैं। यहाँ पर आपको 500 से 1200 रुपए तक का नॉन एसी रूम मिल जाएगा और वहीं 1200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का एसी रूम, यानी कि रुकने के, ठहरने के यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं तो सिर्फ यहीं तक सीमित ना रहे, और भी दर्शनीय स्थल है यहाँ आपके लिए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के करीब ही एलोरा की गुफाएं हैं। इसे वेरुल गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर मंदिर के करीब ही शिवालय तीर्थ स्थित है। ये वही सरोवर है जहां घुष्मा भगवान शिव की पूजा करती थी और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए थे।
महाराष्ट्र के सात अजूबों में एक माना जाने वाला दौलताबाद किला कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेरुल से ही करीब 49 किलोमीटर की दूरी पर पीतलखोरा गुफाएं और गौताला वन्य जीव स्थित है, यानी कि भगवान शिव के दर्शन तो हो ही जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती और सौंदर्य का भी आसपास लुत्फ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है। तो कृष्णेश्वर में काफी कुछ है आपके लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पर्यटन के नजरिए से देखें तो कुदरत की खूबसूरती के दर्शन। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अपने सफर में हमने आपको दर्शन कराए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के, आपको बताया कि कैसे आप इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं, इसके पीछे की तमाम पौराणिक कथाएं और साथ ही कैसे इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। आगे भी हमारा ज्योतिर्लिंगों पर ये सफर जारी रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।